तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले चौथी क्लास इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट टू या हिस्ट्री का चैप्टर वन, जिसका नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, मतलब महाराष्ट्र शिवाजी से पहले। तो स्टूडेंट्स, इसके मैं दो वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा और एक में ये क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं। तो आप दोनों वीडियो देखिए। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, मैंने हर एक जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो हार्ड वर्ड है, उसकी मीनिंग लिखा है मैंने, तो आप लोग भी लिख लेना अगर आपको नहीं समझेगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, एक पेंटिंग है जिसमें शिवाजी महाराज हैं, घोड़े पे बैठे हैं। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, पेंटिंग ऑफ शिवाजी महाराज बाय मीर मोहम्मद। तो ये जो मीर मोहम्मद है, इन्होंने ये पेंटिंग शिवाजी की बनाई है। अब पेंटर ऑफ शिवाजी टाइम, तो ये जो पेंटर है ये शिवाजी के टाइम के है। फ्रॉम द ओरिजिनल इन पेरिस म्यूजियम, मतलब ये जो है पेंटिंग, ये पेरिस म्यूजियम में रखी है। अगर आप वहाँ कभी जाओगे तो ये पेंटिंग आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन, मतलब शिवाजी महाराज एक बहुत ही महान इंसान थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ ग्रेट पॉम्प एंड रेवरेंस। पॉम्प मतलब धूमधाम, रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट। तो हम जो उनका बर्थडे है, जो बर्थडे एनिवर्सरी, मतलब जिस दिन वो पैदा हुए थे, वो बहुत ही धूमधाम और रिस्पेक्ट से मनाते हैं। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रेन, वो एक बहुत ही खुशी का दिन है आप बच्चों के लिए। यू सिंग सॉन्ग एंड पोआडास इन हिज ऑनर, पोआडास मीन्स मराठी पोइट्री। तो आप लोग उस दिन सॉन्ग और जो पोआडास है वो गाते हो उनके सम्मान में। यू गारलैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। गारलैंड मीन्स जो फूल की माला नहीं रहती है, जो पिक्चर्स जो पिक्चर के ऊपर लगाते हैं उसको गारलैंड बोलते हैं। तो इसका मतलब यू गारलैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय, मतलब आप फूलों की माला उनके पिक्चर पे लगाते हो और बोलते हो शिवाजी महाराज की जय। हु वॉज दिस शिवाजी महाराज, मतलब शिवाजी महाराज कौन थे। वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर, मतलब उन्होंने क्या, वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड, मतलब उन्होंने ऐसा क्या काम किया था दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर, कि हम उनका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या ऐसे अच्छे काम किए थे। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड, मतलब द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड, मतलब जिस टाइम में शिवाजी महाराज थे, वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल मतलब 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में जो पीरियड रहता है उसको मेडिवल पीरियड बोलते हैं। हम लोग 21st सेंचुरी में, ये सेंचुरी में शिवाजी महाराज थे। इन दोज डेज, मतलब उन दिनों में मोनार्की और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। मोनार्की मीन्स जैसे किंग और क्वीन का रूल जहाँ पे होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं है। तो वो टाइम में मोनार्की और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर। प्रिवेल्ड मीन्स कॉमन, मतलब किंग और क्वीन का रूल वो टाइम पे कॉमन था सब जगह। मैनी ऑफ द किंग्स परस्यूड देयर ओन प्लेजर, मतलब परस्यूड मतलब फॉलो, प्लेजर मतलब खुशी। तो बहुत सारे जो किंग थे वो अपने खुशी के लिए एंड एंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, मतलब वो अपने ही खुशी और मजा के लिए जो मन में आता था वो करते थे, अपने प्रजा की जो भलाई के लिए कुछ नहीं करते थे। बट इवन इन दोज डेज, मतलब वो टाइम में भी देयर वर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, मतलब वो टाइम पे भी ऐसे कुछ किंग थे जो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे, मतलब अपनी प्रजा की भलाई करते थे। द मुगल एम्परर अकबर, जो मुगल एम्परर अकबर के बारे में तो आप लोग ने सुना होगा, तो वो नॉर्थ में थे, वो नॉर्थ में रूल करते थे। एंड एम्परर कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर, और जो ये एम्परर है कृष्ण देवराय विजयनगर के साउथ में, आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बिनेवोलेंट रूल, मतलब ये दोनों जो राजा है अकबर और कृष्ण देवराय, ये दोनों फेमस है अपने बिनेवोलेंट मीन्स काइंड और फ्रेंडली या दयालु, अपने दयालु
या काइंडली या फ्रेंडली रूल की वजह से वो सबको एक समान रखते थे, धर्म जाति सबको एक समान रखते थे, कोई भी डिफरेंस नहीं करते थे। लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टूडे। तो इन लोगों की तरह शिवाजी महाराज की भी बहुत इज्जत है आज भी, अगर उनके बारे में कोई बात करता है तो बहुत इज्जत से बात करता है, क्योंकि वो बहुत एक अच्छे राजा थे। शिवाजी महाराज स्टेब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने ये जो स्वराज है इस्टेब्लिश महाराष्ट्र में किया था। स्वराज जो है, स्वराज मीन्स क्या होता है वो देखते हैं अभी। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज मतलब मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद की गवर्नमेंट, मतलब खुद से अपना जो भी है खुद करना, किसी से परमिशन नहीं लेना पड़े ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं। और ओन रूल मतलब खुद के रूल। फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, मतलब करीब 400 साल पहले शिवाजी महाराज से, जब शिवाजी महाराज आए थे उससे 400 साल पहले, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री, महाराष्ट्र फ्री नहीं था। अलार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर। तो कैसे, उसका जो एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो अंडर द रूल, मतलब वो रूल किसके अंडर था, वो निज़ाम शाह उसको रूल करता था जो अहमदनगर का था। एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर, तो बीजापुर जो आदिल शाह है वो बीजापुर पे रूल करता था। दीज टू सुल्तान्स हैड डिवाइडेड द महाराष्ट्र अमंग देमसेल्व्स। तो जो दो सुल्तान हैं इन्होंने महाराष्ट्र को आपस में डिवाइड किया था। दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक। लिबरल मतलब जैसे ओपन माइंडेड होना, जैसे कैसे हर किसी को ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं करना, या तो अमीर गरीब नहीं करना, ऐसे सबको एक तरीके से, वो उसको बोलते हैं लिबरल। एंड देयर आउटलुक मतलब तरीका। तो वो दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, मतलब वो लोग कैसे ओपन माइंडेड नहीं थे, वो बहुत ही जात पात का करते थे, बहुत ही हिंदू मुस्लिम करते थे। दे ऑप्रेस्ड द पीपल ओवर हुम दे रूल्ड, मतलब उन्होंने ऑपरेशन में परेशान, तो उन्होंने जिस पे भी रूल किया अपनी प्रजा पे को बहुत परेशान किया। दे वर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर। स्वॉन मीन्स स्वॉन एनिमीज मीन बहुत खतरनाक एनिमीज थे वो लोग एक दूसरे के। ये जो आदिल शाह है और क्या नाम था उनका दूसरा, और निज़ाम शाह जो था, ये दोनों बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे एक दूसरे के। दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, तो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते थे। विद विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफर्ड एंड वर हरेस्ट। सफर मीन्स परेशान, तो जो उन जो थे उनकी प्रजा थी, तो ये दोनों की लड़ाई की वजह से जो इनकी प्रजा थी ना बहुत परेशान होती थी, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, मतलब जो उनकी प्रजा थी जो थे वो, उनको खाना भी बराबर नहीं खाने मिलता था। नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, मतलब वो अपना कैसे था, वो अपना फेस्टिवल मतलब क्या त्यौहार, वो अपना त्यौहार भी नहीं सेलिब्रेट कर नहीं मना सकते थे। और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली, वर्शिप मतलब पूजा करना, तो अपने गॉड की पूजा भी एकदम खुल के नहीं कर सकते थे, एकदम आज़ादी के साथ। क्यों? क्योंकि ये लोग ओपन माइंडेड नहीं थे, ये लोग चाहते थे कि एक ही धर्म चले, ऐसे ये लोग जो चाहते थे वही हो। इसकी वजह से कोई अपने भगवान को खुले में नहीं पूछ सकता था। दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स, मतलब वो दे वर नॉट श्योर मतलब वो लोग को अपने घर में ही अपनी सेफ्टी का कुछ ये नहीं था कि अपने घर में ही सेफ रहे, उनको अपने घर में भी खतरा रहता था जो ये दोनों के अंडर रूल करते, जो इनकी प्रजा थी। देर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, मतलब इनजस्टिस अन्याय, तो वहाँ पे हर जगह अन्याय था। इन महाराष्ट्र देयर वर मेनी वटांडास, वटांडास मीन लैंड होल्डर्स, जमींदार जो रहते हैं ना उसको बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत जमींदार थे, लाइक देशमुख एक देश लाइक एंड देश पांडास वो ओन जागीर्स। जैसे कि देशमुख और देश पांडास है, जो ये जागीर, जो जागीर मतलब जो जमीन ओन करते थे, जमींदार जो थे उनको बोलते हैं। दे लव्ड ओनली देयर जागीर, मतलब वो अपनी सिर्फ जागीर प्रॉपर्टी को ही, जो उनकी जायदाद थी उसी से उनको प्यार था। एंड नॉट देयर कंट्री, उनको अपनी कंट्री से प्यार नहीं था, उनको सिर्फ अपनी जो जो
ज़मीन थी, जिसमें उनको जो प्रॉपर्टी थी उससे ही प्यार था। दे कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमोंग देम ब्रॉट ग्रेट मिजरी टू द पीपल। मिजरी मीन्स निराशा या तकलीफ। तो कैसे था ये लगातार जो फाइट करते रहे, तो उसकी वजह से जो उनकी प्रजा थी, जो लोग थे, उनको बहुत ही तकलीफ सहनी पड़ी। देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर, मतलब बुरा शासन। मिसरूल मतलब बुरा शासन, तो हर तरफ ही बहुत बुरा शासन था। कैसे कि राजा अच्छा नहीं था ना, जो ये ज़मींदार थे ये सब बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, तो इसकी वजह से सब लोग परेशान, बहुत दुखी थे। पीपल वर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वर वेरी अनहैप्पी। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। तो जो जो वहाँ की जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो बहुत ही परेशान थे इस अत्याचार से और नाखुश थे। शिवाजी महाराज सो ऑल दिस। शिवाजी महाराज ने ये सब देखा। ही अंडरटुक द नोबल टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज। मतलब नोबल मतलब महान, तो उन्होंने ये जो स्वराज बनाने का महान काम लिया अपने अंदर। अपने उन्होंने सोचा कि ये जो स्वराज बनाने का, इसलिए उन्होंने सोचा क्योंकि ये लोग बहुत तकलीफ में थे इन महाराष्ट्र में, जो ये स्वराज बनाने के लिए उन्होंने सोचा। विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल, जो लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाएगा। ही फर्स्ट बॉट टू बुक द वटांडास हु फॉट अमोंग देमसेल्व्स। पहले ये जो वटांडास से ये आपस में लड़ाई करते थे, तो इन्होंने पहले इनको बताया इस सब के बारे में, जो स्वराज बनाने वाले से। ही देन यूज देम इन हिज प्लान टू इस्टेब्लिश स्वराज। फिर जो ये वटांडास थे, जो ज़मींदार थे, इनको अपने प्लान में भी शामिल किया जो स्वराज बनाने के। ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑप्रेस द पीपल। तो ऑप्रेस मतलब बताया था ना आपको क्या रहता है, अत्याचार। तो जो शिवाजी थे वो इन सभी पावर्स के, मतलब जो राजा थे, इनके खिलाफ लड़े जो लोगों पे अत्याचार करते थे। एंड डिफीटेड देम, डिफीटेड मतलब हराना, और उनको हराया भी इन्होंने, शिवाजी महाराज ने इनको हरा दिया इनके खिलाफ लड़ के। ही एस्टेब्लिश्ड हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस। तो उन्होंने एक हिंदवी स्वराज बनाया बेस्ड ऑन जस्टिस, मतलब न्याय। तो न्याय के ऊपर, न्याय एक इन्होंने बनाया जिसमें सबको न्याय मिले। स्वराज जो है फेयरली प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट मीन्स जाति, रिलीजन मीन्स धर्म। तो इसमें जो है सबको एक तरीके का सम्मान और सबको इक्वल राइट, मतलब सब लोग अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं खुले में, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये स्वराज जो था इसमें सब लोग एकदम फ्रीली रह सकते हैं, सब धर्म और जाति के लोग। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। डिस्टिंक्शन मीन्स फ़र्क। तो शिवाजी महाराज ने हिंदू और मुस्लिम में कोई भी फर्क नहीं रखा, वो सबको इक्वल देखते थे। ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। ऑनर्ड मीन्स रिस्पेक्ट, सेंट्स मीन्स साधु, जैसे कि मुस्लिम में होते हैं साधु, हिंदू में होते हैं साधु, क्रिश्चियन में, तो सबको उन्होंने इज्जत दिया, सबको रिस्पेक्ट दिया। किसी को भी ऐसे नहीं किया कि दूसरे रिलीजन के हैं तो इनको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, वो सबको इज्जत देते थे। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज नोबल डीड्स ऑफ महाराज। तो इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा जिसको बोलते हैं। नोबल मीन्स महान, डीड्स मीन्स काम। तो ये सब जो महान काम शिवाजी ने किए थे उससे हमें प्रेरणा मिलती है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, मतलब ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मतलब शिवाजी महाराज से करीब 300 to 400 साल पहले, मेनी सेंट्स वर बॉर्न इन महाराष्ट्र। बहुत सारे सेंट्स मतलब साधु महाराष्ट्र में बॉर्न मतलब पैदा हुए थे। देयर वर्क हेल्प्ड शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट। मतलब वो जो साधु लोग ने जो भी काम किया था उससे शिवाजी महाराज को बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाबी मिली थी स्वराज बनाने में। वी शॉल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर वॉट दीज सेंट्स डिड। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सेंट्स ने क्या काम किया था, क्योंकि अगला चैप्टर है सेंट्स के ऊपर है अगला चैप्टर। तो ये हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, पर इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो